हेलो गाइस, वेलकम टू हाई फाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। एंड यस, शुभ नववर्ष। आज के हमारे बांगाली न्यू ईयर एंड 1430 हमरा पहुँचे गेछि। सो आज मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट आया एंड आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज देयर स्वाति। सो आज मेरे साथ स्वाति छोड़ के भी बहुत सारा गेस्ट आया और इंट्रो आया, सैंडी है, कौशिक है एंड राजेश तो ऑलवेज रहता ही है। तो आज हम लोग का प्लान था, सुबह मैंने थोड़ा सा छोटा मोटा पूजा किया, उसके बाद मैंने खाना बनाया और इंट्रो ने खाना बनाया, स्वाति ने हम लोगों को हेल्प किया, राजेश, कौशिक एंड सैंडी इन लोगों ने भी हेल्प किया। खाने का जो रेसिपी वो अभी बोलेगा कौन? स्वाति। तो आज हम लोगों ने कोशिश किया जितना हो सकता है हमारे बंगाली कल्चर को फॉलो करके करने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे और खाना भी वही स्टाइल का होगा। तो बेंगलोर में बहुत सारा रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आपको बंगाली बुफे मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट सोचा। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम खुद बनाएं, क्योंकि हम सभी को थोड़ा बहुत कुकिंग तो आता ही है। तो इसलिए हम लोगों ने आज पूरा मेन्यू डिसाइड किया, हम मैं और राहुल दोनों मिलके उसी तरीके से हम लोगों ने पूरा, मतलब कौन कैसा खाना बनाएगा वो भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो आज के मेन्यू में है बासमती चावल राइस एंड उसके बाद है आपका शुक्तो। शुक्तो छाड़ा तो अपनारा जानें जो बांगाली मैंने कोनो मिल शुरू ही होते पड़े ना। तो उसके बाद है हम लोगों के लिए दाल, और दाल का खासियत ये है कि दाल बस पापड़ और कॉलीफ्लावर ये दोनों देके बनाया है, और ये बनाया है हमारा हाई फाइव का मेन शान राहुल। और उसके बाद है हम लोगों ने बनाया है प्रॉन मलाई करी। तो चिंगड़ी मलाई करी तो बांग्लार एक मैंने बांगाली एक भीषण प्रिय एक खबर, उसके साथ है मटन। और अब पता नहीं जितने भी बंगालीज व्यूअर्स है उनको तो पता ही है, कोई भी हमारा फेस्टिवल, कोई भी हमारा ओकेशन मटन के बगैर नहीं जाता है। तो यही हमारा आज का है। और उसके बाद है ऑब्वियसली चाटनी पापड़, वो सब तो है ही। चाटनी जो है वो मैंगो चटनी बनाया, तो जो रॉ मैंगो है उसका मैंने कुछ फ्लेवर देने के लिए कोशिश किया एंड लिटिल बिट यू नो थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा मीठा, समथिंग डिफरेंट। सो ऑब्वियसली रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, फॉलो करना। एंड यस, स्वीट इज़ ऑल्सो कमिंग। ओके, सो दिस इज ऑल द हमारे डिश में है आज की प्लेट्स में, हम लोग आपको दिखाएंगे क्या क्या हम लोगों ने बनाया है। बट यस, एनी वेज, दिस आर द वेरी स्पेश दिस इज़ द वेरी स्पेशल डे फॉर टुडे बंगालीज। सो शुभ नववर्ष अपने शुभ नववर्ष सबाई। सो चलिए सबसे पहले मैंगो चटनी बनाता है, उसके लिए देख रहे हो आप तो मैंगो है एंड थोड़ा सा मसाला है, सरसे है एंड ग्रीन चिली है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा की चीज़ों का ज़रूरत ही नहीं है, बस 10 मिनट्स में बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने मैंगो को बॉयल करने के लिए थोड़ा डिफरेंट कट कर लिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया और उसको फिर बॉयल करने के लिए 5 to 10 मिनट्स डाल दिया। एंड देन मैंने कढ़ाई में तेल दिया, तेल थोड़ा सा आप कम ही देना, 2 स्पून तक तेल देना, ठीक है, क्योंकि मैंने 250 ग्राम्स मैंगो लिया। फिर कढ़ाई में मैंने सोरसे दिया एंड रेड चिली दिया, इसका फ़ोरन होता है। तो ये देने के बाद आपको मैंगो डाल देना है जो बॉयल्ड मैंगो था। बॉयल्ड मैंगो डालने के बाद उसको थोड़ा सा फ्राई करना है उसी तेल में। जब फ्राई करोगे तो उसका सॉफ्टनेस और आएंगे। मैक्सिमम 5 मिनट्स तक फ्राई करना, उससे ज़्यादा ओवर कुक मत करना। देखिए मैंगो का जो अभी का जो सिचुएशन है ऐसा होना चाहिए, इट्स नॉट कम्प्लीटली यू नो मेसी, बट हाँ थोड़ा सा बॉयल्ड होना चाहिए तो उसमें टेस्ट अच्छा आएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शुगर डाल दिया, क्योंकि शुगर थोड़ा आपके हिसाब से आपको कितना खट्टा मीठा चाहिए तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे शुगर डालना पड़ेगा। एंड उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा काजू दे दो, ज़्यादा काजू मत दो, 4-5 काजू दे दो। एंड उसके बाद वहाँ पे आप थोड़ा सा शुगर अब टेस्ट करने के बाद लगता है अगर ज़्यादा तो फिर थोड़ा सा सही कर दो। तो बस उसके बाद पानी डाल दो हल्का सा एंड इट्स रेडी द स्पेशल बंगाली स्टाइल मैंगो चटनी। एंड मैंने थोड़ा सा कच्चा मीठा का यू नो मैंगो कट करके उसका फ्लेवर देके उसमें थोड़ा सा यू नो गार्निशिंग किया। हेलो, हाय,
हेलो हाय हेलो शुभ नववर्ष हेलो हाय हाय गाइस सो अभी हम लोग बैठे हैं थोड़ा सा बातें बातें कर रहे हैं मेरा खाने का प्रिपरेशन हो गया अभी ऑरिक्टो का चल रहा है सो हम लोग बताएंगे क्या क्या बनाया सो ऑब्वियसली आपको तो अभी तक पता चल ही गया क्या क्या बनाया है सो यहाँ पे इन लोगों का जो कन्वर्सेशन है मैं आपको देखा था माफिन से हाय My special guest, Coco, and Muffin. Muffin, that took. चलिए अभी बनाता है मेरा स्पेशल दाल उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए उसमें डाल दीजिए जीरा एंड उसके साथ थोड़ा सा सूखा मिर्च डाल दीजिए उसका फोड़न हो जाएगा तो अच्छे से उसको फ्राई कर लेना ये मेरा स्पेशल रेसिपी है मैंने इसको इन्वेंट किया है तो प्लीज़ गाइस अच्छे से देखना इसके बाद मैंने गोभी बॉयल करके उसको मैंने फ्राई करने के लिए दे दिया एक टिप्स बताता हूँ गोभी को अगर आप मीडियम फ्लेम में ढक के फ्राई करोगे तो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होता है यहाँ पे गोभी का पीस बड़ा लेना पड़ेगा गाइस रिमेंबर पीस थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा देन ओनली अच्छे से फ्राई बहुत अच्छे से करना पड़ेगा सो दैट यू नो एक क्रिस्पी टेस्ट आए साइड में मैंने कढ़ाई में पापड़ भी फ्राई किया एंड ऑल्सो मैंने उसके साथ कोकोनट को भी छोटा छोटा करके कट करके फ्राई किया देखिए अच्छे से फ्राई होने के बाद गोभी का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है एंड एक थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ रहा है एंड जब भी ये ब्राउनिश कलर आ रहा है आप उसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड कर दो और अगर आपके पास थोड़ा सा जिंजर पेस्ट है तो जिंजर पेस्ट 2 स्पून ऐड करो 2 स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद इसके साथ उसको मिक्स करके फ्राई करो इसके लिए ज़्यादा मसाला की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है बस गोभी को अच्छे से फ्राई करो उसके बाद अदरक को वहाँ पे डालो डाल के अच्छे से उनके साथ मिक्स करो एंड हल्का जीरा मसाला आप उसमें ऐड कर सकते हो एंड थोड़ा सा हल्दी आप डाल सकते हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी ऑप्शनल है उसके बाद थोड़ा सा उसमें वेजिटेबल डाल दो मटर डाल दो थोड़ा गाजर डाल दो एंड उसको अच्छे से मिक्स करो देन आपका जो मूंग दाल था बॉयल करके आपने रखा था वो मूंग दाल को वहाँ पे डाल दो ठीक है एंड उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करो एंड देखो कि एक थोड़ा सा पानी बहुत कम डालना है इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेवी कम रहेगा जो नॉर्मली दाल बनता है जैसे पतला होता है ये वाला दाल जो है वो इतना पतला नहीं होगा थोड़ा सा घना रहेगा सो दैट इसका टेस्ट अच्छे से आए सो ऐसे बना के 10 मिनट तक कुक करके इसको उठा लो सो माई स्पेशल दाल इज रेडी और हाँ पापड़ आपको एकदम लास्ट में उसके ऊपर डालना है और जब उतारोगे उसके पहले थोड़ा सा उसमें घी और गरम मसाला डाल दो हेलो गाइस हाय सो खत्म हो गया हमारा शुभ नव वर्ष सो न्यू ईयर का डे था तो हम लोग सब लोग बहुत अच्छा अच्छा डिश बनाए थे हमने नहीं बनाया था बट जो हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने बनाया था और राहुल और सौफी लोगों ने बनाया था बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन उनका ही था और इत्रो को भी मैं बोलूँगा उसने भी बनाया था और बहुत बहुत अच्छा लगा खाकर स्पेशली मेरा तो फेवरेट था वो प्रॉन्स करी इवन मटन कोशो भी बहुत अच्छा बना था चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी ओवरऑल बोले तो सारी डिशेस बहुत अच्छी बनी थी हमने फिर फोटो वोटो लिया था ट्रेडिशनल पहन के एंड आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर जो हमने फ़ोटोज़ लिया था शूट वगैरह करा था फिर हमने खाना वाना खाया और रात को क्योंकि सैटरडे नाइट थी तो छोटी सी पार्टी बनती थी तो स्वाति लोग नहीं थे बट हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे एंड वी हैड अ पार्टी एंड दिस इज़ द रिलैक्सिंग संडे टुडे सो ज़रूर बताना कमेंट करके गए आप लोगों ने जो डिशेज देखे आपको कैसा लगा मतलब हाउ डिड यू फील तब तक के लिए बाय बाय हाई फाइव